फाइनली अपना हाइपर राइडर का डोमिनार के लिए जो मैंने मंगाया था वो आ गया है। बेसिकली क्रैश गार्ड है जो मैंने मंगाया है एंड पैकेजिंग देख लो, मतलब मैंने पहले ही बोल दिया इतनी एक्साइटमेंट जीने से देखने की तो पूछो मत। तो ये मेरा लेग गार्ड है जो काफ़ी एक मिनट, ये मेरा लेग गार्ड है राइट लेफ्ट। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी करके दी है नो डाउट। ये राइट साइड का ये बिल दिया है इनने एंड राइट और लेफ्ट और राइट और लेफ्ट। एंड ये एक स्टिकर भी दिया है इनने और इसमें स्क्रूज भी दिए हैं जो काफ़ी फिट हो जाएंगे। एंड ये मेरा बेसिक इसमें एक हांकी भाई मैंने ले लिया बस ठीक है, क्योंकि दिल्ली में मैं दिल्ली में रहता बेसिकली और दिल्ली में ये हाइपर राइडर को नहीं मिलता। जाना का जरूर आराम से मिल जाएगा बट जाना में मुझे मतलब अच्छा नहीं लगा, मेरे दोस्त में लगा, मैं आपको दिखा दूँगा वो। तो बाकी आप लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, बाइक नीचे खड़ी है, बाइक का वो करते फिर। एक मैं ना कोल्ड स्टार्ट कर लेता हूँ मैं इसको ताकि फ्यूल पंप ऑन कर देते हैं इसका। फ्यूल पंप स्टार्ट हो गया, अब स्टार्ट करते हैं। सर्विस होनी है इसकी अभी, फर्स्ट सर्विस हो जाएगी बस कर रहा है। इसमें चंचन आवाज़ आ रही है, जला दिए क्या पता क्वालिटी अच्छी ना आई हो। तो यहाँ से पहले टूल बॉक्स निकाल लेंगे इसका और इसके टूल बॉक्स में होगी इसे अभी यहीं रख देते हैं। हमें इसे खोलने के लिए टी चाहिए होगी तो वो इसी में मिल जाएगी टूल बॉक्स में, तो वो लगा के इसे खोलते इसे खोलते और फिर अपना हाइपर राइडर का काम चालू करते कि कैसे लगेगा देखते हैं। ये 6 mm की लगेगी भाई एलन की और इसको यहाँ पर लगा के आप इसे खोल देते हैं। टूट ना जाए एलन की, कुछ ज़्यादा ही टाइट है यार, थोड़ी स्टार्टिंग में इसमें जान लगेगी खोलने में बस ही खुल जाएगा। और हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना भाई, जो उसके नट है ना वो सवाल से रखना, पता नहीं कहाँ काम आ जाएगा। अच्छा ओके, क्वालिटी दी है ना लेग गार्ड की वो काफ़ी अच्छी दी है पहले के कंपेरिजन में, पहले इतना सही नहीं था बट अब काफ़ी अच्छी दी है। और अब ये दो बोल्ट भी खोल रहे हैं, ये भी खोल रहे हैं, इससे 10 नंबर का वो लगेगा, इससे 12 नंबर का लगेगा, इससे 10 नंबर का लगेगा। उसको मैं पहले खोल लेता एक हाथ से हो रहा हूँ फिर आपको ठीक है। फाइनली ये स्कूल
तो निकाल दिए, काफ़ी छोटे हैं, और इसके बड़े स्क्रू मिल जाएंगे। एंड ये भी मेरे ख्याल से ओपन करने पड़ेंगे, जो सर्विस पर लगेंगे, तो वो ओपन कर ले सर। सो ये मैंने कुछ गलत समझ, अब ये देखो तो ये राइट साइड है, ये भी आपका राइट साइड है। तो ये लगाना कैसे, पहले ये छोटा सा पार्ट लेना, और ये छोटा सा पार्ट ऐसा लगेगा, इस वाले स्क्रू पर ये चला जाएगा। अगर आप इसका स्क्रू पर ये चला जाएगा, यहाँ पर ये सपोर्ट ले लेगा और यहाँ पर ये वो ले लेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह लग जाएगा, तो छोटा पीस पहले ऊपर आएगा, तो ये बाद में आएगा, बाकी मैं लगा दूँगा क्योंकि अकेला मैं ही, तो मुझे ही देखना फिर बताता हूँ। ये सारे स्क्रू निकाल दिए, और ये रबड़ वाला बढ़िया बाकी स्क्रू लगा दिया। तो बहुत लोग हैं ना, ये टूट जाते थे पुराने वाले डोने में, नहीं मचता तो टूट जाता, पर इसमें क्वालिटी अच्छी लग रही है, मचा दिया, ये भी सही है। अभी ये पीला क्यों है? होली में बनाया गया था क्या बाइक को? तो गुलाल लगा पड़ा है। ताकि आपका स्क्रू का गैप सही रहे, एंड उसके बाद ये नैलॉन वाशर यहाँ रहेगा, दिखा देता हूँ आपको पहले। और ये जो और ये यू सेट, ये कसा जाएगा, तो मैं इसको कस लेता हूँ, दोनों को फिर बताता हूँ। अगर खुद करो ना तो थोड़ा इसे प्रेस कर देना, इसे दबा के एक बल्ला दबा दे और फिर कर, अगर बाहर से करवा रहे तो कोई दिक्कत है नहीं, अगर खुद करो तो। बेसिकली हेपेटाइटिस के ना दिल्ली में नहीं मिलते, बैंगलोर मुंबई की तरफ सर्विस कर रहे हैं, ठीक है। तो लगा ले ज़्यादा बड़ा हाजी पास तो नहीं है, थोड़ा सा घिस गया पच कोई बात, यूज़ करने का तरीका देख रहे हैं, आपको टूल किट नहीं मिल जाएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगा, नहीं तो एक ही टाइप में एलन चीज़ आती है वो भी सही है, अपना उसके काम चल जाए। ये रहेगा वो लग जाएगा, उसके बाद लुक देखेंगे कैसा लगता है।
फाइनली उसे प्लेस करने का नंबर आ चुका है। ये वाली रिंग जाएगी इस पे एंड देन ये नट जाएगा। अब इसमें ये नहीं पता कि कौन सी एलएमसी लगेगी, पर काफ़ी बड़ी लग रही है एलएमसी। देखते चलो इसे लगाते हैं, यूँ लगा देते हैं। अच्छे है थोड़ी बहुत पन्नी बाद में निकाल देते हैं, फिर बताते हैं। ये कुछ ऐसा लग रहा है, इधर इधर का ये लगा दिया है, बट इसकी मेरे पास एलएमसी नहीं है, शायद वो लानी पड़ेगी। सर्विस से जा रहा हूँ, उनसे लगवा दूँगा, कर दो यार। बाकी ऐसे कर देते हैं, कहीं जाएगा तो नहीं, कल से कसना तो पड़ेगा। तो ये है गाना का क्रैश कार्ड, इतना सही गाना था। और ये तो सही लग रहा है मुझे, यहाँ से भी है। तो मेरे पास एक ये ऑप्शन भी था जाने का क्रैश गार्ड, पर मैं हाइपर राइडर का लगाया। आप देखकर बताना कि यह हाइपर राइडर का अच्छा लग रहा है या जाने का क्रैश गार्ड अच्छा लग रहा है, कमेंट करके बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।